हेलो दोस्तों, मैं हूँ अनन्या और अनन्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही राबड़ी, तो चलिए शुरू करें। शाही राबड़ी बनाने के लिए हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। सबसे पहले पतीले में हम थोड़ा पानी डालेंगे और किनारों में थोड़ा सा घी लगा देंगे। घी हम इसलिए लगा रहे हैं कि दूध पतीले में चिपके नहीं। अब हम पतीले में दूध डालेंगे और उबाल आने तक इंतजार करेंगे। इस समय आपको गैस की आंच मीडियम रखनी है। दूध उबल चुका है। दूध को घना होने तक हमें लगातार इसे चलाते रहना है। बीच बीच में जो मलाई दूध के ऊपर आ जा रही है उसे हम पतीले के साइड में कर देंगे। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ये राबड़ी खाने में बहुत अच्छी बनती है। देखिए, दूध थोड़ा घना हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी मिलाएंगे। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप चीनी थोड़ा ज्यादा भी दे सकते हैं, और आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप चीनी स्किप भी कर सकते हैं। हमें दूध को इतना घना करना है कि ये 1/4 हो जाए, मतलब हम 1 लीटर दूध में 250 ग्राम राबड़ी बना सकते हैं। देखिए, राबड़ी हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो वो भी दे सकते हैं। देखिए, हमारी शाही राबड़ी तैयार है। मैंने गार्निश में बादाम यूज किया है। आप काजू और पिस्ता भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। Thank you.